सो है गाइस, मैं हूँ अथर्वर। आप देख रहे स्केच एक्ट यूट्यूब चैनल। तो मुझे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि 70,000 के अंदर एक फुल सेटअप गाइड बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको 70,000 के अंदर फुल सेटअप गाइड बताऊंगा। वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। हम इस चैनल पे ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसी में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भाई बहुत से लोग भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हैं। भाई भाई मैं रुकाओ भाई, सब्सक्राइब करो भाई, पहले नहीं किया अभी तक भाई, करो ना, कर दिया। थैंक यू भाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इस पीसी पे आराम से 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे ओवर 100 FPS की गेमिंग कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। तो बढ़ते हैं हमारे पीसी बिल्ड के तरफ। तो प्रोसेसर में हमने इंक्लूड किया है AMD का राइजन 3 3100, जो एक 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 3.6 GHz की बेस क्लॉक है और 3.9 GHz पे टर्बो करता है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है अगर आपको गेमिंग करनी है। अगर आप ये पीसी सिर्फ गेमिंग के लिए बना रहे हो तो आप इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हो। अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप, मैं आपको कहता हूँ कि आप पिछले जनरेशन के जो राइजन के प्रोसेसर थे, मतलब Ryzen 5 2600 या 2600X के साथ आप जा सकते हो, अगर आपको स्ट्रीमिंग या वीडियो एडिटिंग करनी है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप Ryzen 3 3100 के साथ जा सकते हो, और ये प्रोसेसर आपको आराम से 8,500 तक अवेलेबल हो जाएगा कहीं भी। तो अब आते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड में हमने इंक्लूड किया है गीगाबाइट का A520M SDH मदरबोर्ड, जो बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। और A520 चिपसेट का मदरबोर्ड है, नए जनरेशन का मदरबोर्ड है, तो कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आप इस पर आपका Ryzen 3 3100 तो आराम से चला ही सकते हो। पर उसी के साथ साथ अगर आपने स्ट्रीमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बनाया है तो आप आपका जो Ryzen 5 2600 आप लगाओगे वो भी ये मदरबोर्ड आराम से चला देगा। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है ये, आपको आराम से 5,800 तक कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ग्राफिक कार्ड में हमने इंक्लूड किया है Inno3D का GTX 1660 Super, जिसमें आपको 6 GB की GDDR6 टाइप की VRAM देखने को मिल जाती है। 1408 CUDA कोर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ये ग्राफिक कार्ड है और ये आपको आराम से 20,800 तक कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। तो रैम में हर बार की तरह हमने इंक्लूड की है कॉर्सर वेंजेंस LPX, टोटल 16 GB ऑफ रैम, 8 GB की 2 स्टिक्स, 3000 MHz पे क्लॉक। बहुत बढ़िया ये रैम मॉड्यूल से आराम से ओवरक्लॉक हो जाती है और आपको इसमें कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। कॉर्सर जैसे अच्छे ब्रांड की तरफ से आती है और भाई हर बार मैं यही आपको रिकमेंड करता हूँ, हर पीसी बिल्ड में आपने देखा होगा। और ये आपको आराम से 8,000 रुपये तक अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आते हैं स्टोरेज की तरफ। तो मास स्टोरेज में मैंने इंक्लूड की है WD की 1 TB की हार्ड डिस्क, जिसमें आप आपके गेम स्टोर करोगे और जो आपको आराम से 3,000 रुपये तक अवेलेबल हो जाएगी। और SSD में मैंने इंक्लूड की है WD की ग्रीन 240 GB की SATA SSD, जिसमें आप आपके विंडोज इंस्टॉल करोगे और उसी के साथ साथ जो आपके इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होंगे वो आप इंस्टॉल करोगे, और ये आपको आराम से 2,500 रुपये तक अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आते हैं पावर सप्लाई की तरफ। तो पावर सप्लाई में हमने इंक्लूड की है कॉर्सर की VS550, जो एक 550 वाइट की वाइट प्लस सर्टिफिकेशन के साथ आने वाली पावर सप्लाई है, और ये आपके पीसी के लिए इनफ रहेगी। बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है और ये आपको आराम से 3,900 रुपये तक अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आते हैं कैबिनेट की तरफ। तो कैबिनेट में मैंने इंक्लूड की है MSI की MagForge 100M, जो बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। आपको इसमें फ्रंट में 2 RGB फैंस देखने को मिलते हैं 120mm के, और रियर में एक नॉन RGB फैन देखने को मिलता है 120mm का एग्जॉस्ट के लिए। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये कैबिनेट आती है। इसमें आपको फुल लेंथ PSU श्राउड भी देखने को मिलता है, इसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास भी दी है, और उसी के साथ साथ आपको इसमें फ्रंट में मेश पैनल दिया गया है। तो भाई बहुत अच्छा एयर फ्लो आपके पीसी में मेंटेन रहेगा और ये कैबिनेट आपको आराम से 4,500 रुपये तक कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ये पीसी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पीसी आपको आराम से 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे ओवर 100 FPS की गेमिंग करवा सकता है। तो
तो अब आते हैं पेरिफेरल्स की तरफ। तो कीबोर्ड में मैंने इंक्लूड किया है एंड टी स्पोर्ट्स का MK1000 जो एक 60% कीबोर्ड है। आपको इसमें LED बैकलाइट देखने को मिल जाती है, पर आप इसके पर की RGB को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसमें पूरे रो को कंट्रोल कर सकते हो, पर की RGB को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है। आपको इसमें ब्लू स्विचेस देखने को मिलते हैं जो कि चेरे मिक्स की तरफ से नहीं आते हैं, और ये कीबोर्ड आराम से आपको 3200 तक अवेलेबल हो जाएगा। तो अब आते हैं माउस पे। तो माउस पे मैंने इंक्लूड किया है लॉजिटेक का G4O2, जिसमें आपको मैक्सिमम 4000 DPI देखने को मिलता है। इसमें आपको 8 प्रोग्रामेबल बटन्स देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको Delta 0 सेंसर प्रोवाइड किया गया है जो बहुत ही बढ़िया सेंसर है। और इसका एक ड्रॉबैक है कि आपको इसमें ब्रेडेड केबल देखने को नहीं मिलती है। और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ये माउस है, और लॉजिटेक जैसे अच्छे ब्रांड की तरफ से आता है तो कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आप आराम से इस माउस के साथ जा सकते हो, और ये माउस आपको आराम से 2200 तक अवेलेबल हो जाएगा। तो मॉनिटर में मैंने इंक्लूड किया है LG का 24-इंच मॉनिटर, जिसमें आपको 75Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। IPS पैनल के साथ ये मॉनिटर आता है, और उसी के साथ साथ आपको इसमें FreeSync का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर आप अपने इन्विडिया के ग्राफिक कार्ड को डिस्प्ले पोर्ट से इसे कनेक्ट करते हो तो आप इसमें G-Sync का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बढ़िया मॉनिटर है, और LG जैसे अच्छे ब्रांड की तरफ से आता है तो कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और ये अभी 8,500 तक का बिक रहा है। अमेजोन पे यूजुअली 10,000 का बिकता है, पर अभी डील चल रही है तो भाई बहुत अच्छी ये डील है। आप अभी के अभी अमेज़ॉन पे जाके इस मॉनिटर को बाय कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। तो बहुत बढ़िया ये PC है, और इस पूरे सेटअप की जो प्राइस निकल के आती है वो आती है अराउंड 71,000 के, और 71,000 के अंदर बहुत बढ़िया ये सेटअप बन चुका है। तो जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बताए या फिर पेरिफेरल्स बताए, उन सभी के बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है। आप वहाँ से अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बंदे यार सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देख के जाते हैं। और भाई नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।